हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और सिंपल सरल किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही आसान तरीके से केक बनाएंगे। तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप अपने बच्चों के लिए उनकी फरमाइश पर कुछ मीठा अगर वो खाना चाहे तो आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रिटानिया का मिल्क बिकीज बिस्किट। तो ये है 27 रुपीस का और वेट में ये 200 ग्राम्स है। तो ये मैं एक पैक पूरा यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसका जो पैकेट है वो मैं ओपन करूंगी और बिस्किट्स को मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। बिस्किट्स को हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इसको क्रश कर देते हैं इस तरीके से, हाथों से सिर्फ रफली ही। आजकल जो है घर पर ही सारे लोग हैं, बच्चे भी सभी घर पर ही हैं, तो कुछ ना कुछ डिमांड करते ही रहते होंगे आपसे बनाने के लिए। तो आप इसको तुरंत बना करके दे सकते हैं, मतलब तुरंत तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट बिना तामझाम के ये केक आप घर पर बना करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। बिस्किट्स को मैंने तोड़ लिया है और अब लेंगे ये मिक्सर जार। बिस्किट्स को हम इसी में डालते जाएंगे। अगर आप एक बार में कर सके तो एक बार में कीजिए, वरना दो बार में इसको अच्छे से हमें पाउडर बना लेना है। दो बार में मैं करूंगी इसको। इसी के साथ ही इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब शुगर डाल देते हैं। अब जब दूसरी बार वाला बिस्किट को इसी तरीके से आप पाउडर करें तो उसमें भी 1 से 2 चम्मच चीनी डाल करके जो सेकेंड वाला बैच है उसको भी इसी तरीके से आप पाउडर कीजिएगा। तो ढक्कन में लगा दे रही हूँ, इससे अच्छे से मैं पाउडर बना ले रही हूँ। ये देखिए, ये हमने पाउडर बना लिया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये दूसरी बार का भी हमने अच्छे से पीस लिया है और इसको भी इसी के साथ डाल देते हैं इसमें। और इसमें आप एक बार चेक कर लीजिए कोई बड़े टुकड़े तो नहीं है। अगर बड़े टुकड़े हैं तो आप उसको निकाल दें। तो अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो लगभग 1 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे। आप चाहे तो दूध और पानी को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम बिल्कुल अच्छे से लम्प फ्री इसका बैटर बना लेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना दूध यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा दूध यहाँ पर देखिए लगभग 2 चम्मच के करीब बच गया है। और अब इस बैटर को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसमें जो भी बिस्किट के छोटे 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 जो टुकड़े हैं वो अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो 5 मिनट के लिए एक साइड में रख देते हैं। तो इस केक को मैं बना रही हूँ कुकर में। तो ये मैंने कुकर रख दिया है गैस पर। अब इसको 5 मिनट के लिए हम गरम होने देंगे, प्री हीट होने देंगे। इसके ऊपर मैंने ये वाली लेड लगाई है, ग्लास वाली। अगर आप कुकर का ढक्कन यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो सीटी और गैस्केट है वो दोनों निकाल दीजिए, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और इसको हम प्री हीट होने देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए। मैंने ले लिया है एक बेकिंग टिन। आप चाहे तो कोई भी टिफिन इसकी जगह पर ले सकते हैं, अगर आपके पास ये बेकिंग टिन नहीं है तो, या फिर पतीला भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं हम ऑयल से या फिर बटर से अच्छे से, ताकि केक हमारा इसमें चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। और मैं इसमें लगा रही हूँ ये बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस पर थोड़ा सा आटा या फिर मैदा छिड़क करके इसको अच्छे से इस तरीके से घुमा घुमा करके डस्ट कर लीजिएगा। और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ये ऑयल लगा देती हूँ। तो बस ये हमारे बेकिंग टिन तैयार है। इसको भी साइड में रख देते हैं। ये बैटर भी हमारा देखिए थिक हो गया है, थोड़ा सा इसको मैं और पतला कर लेती हूँ। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल देखिए कैसे फोल्ड होकर के गिर रहा है, ऐसे ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब इसमें हम डालेंगे इनो। तो मैं ये लेमन फ्लेवर का डाल रही हूँ। आप रेगुलर जो ब्लू कलर की पैकेट आती है वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा कोई भी फ्लेवर इसमें यूज़ ना करें। तो लगभग आधा सैचेट इसमें डालेंगे, लगभग 1 चम्मच के बराबर है ये। और थोड़ा सा इसके ऊपर ये दूध डाल देते हैं ताकि ये एक्टिवेट हो जाए फटाफट से।
जल्दी से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मिक्स करते ही बिल्कुल हल्का हो गया ये बैटर, ये मिक्स हो गया है। तो अब इसको हम डाल देते हैं अपने तैयार किए हुए टिन में। थोड़ा टैप कर देते हैं ताकि एयर बबल्स निकल जाए। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देते हैं इसके ऊपर से ताकि और भी अच्छी लगे। तो अगर आपके पास चॉकलेट चिप है तो वो भी डाल सकते हैं, और इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो ड्राई फ्रूट कट करके डाल दीजिए। तो इसको हम रखते हैं अपने प्रीहीटेड कुकर में। इसमें हम रखेंगे एक वायर्ड रैक, या तो फिर अगर आपके पास कटोरी या प्लेट है तो वो भी रख सकते हैं इसमें उल्टी करके। बहुत ही केयरफुली इसको इसके अंदर रख देते हैं, काफ़ी गर्म है इसलिए बहुत केयरफुली रखें। और अब इसको हम ढक्कन लगा देते हैं, और एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि इसका सीटी और गैस्केट, अगर आप कुकर का ढक्कन यूज़ कर रहे हैं तो वो दोनों निकाल दीजिए, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और अब मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम बेक करेंगे 35 to 40 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर 35 मिनट्स हो गए हैं और केक में एक बार चेक कर ले रही हूँ नाइफ या फिर एक स्क्यूअर डाल करके इस तरीके से चेक कर सकते हैं। 35 मिनट्स में ये बिल्कुल बेक हो गया है, बिल्कुल भी स्टिक पर चिपका नहीं है, तो ये बेक हो गया है। तो अगर आपका केक थोड़ा भी चिपक रहा है तो आप इसको 5 मिनट के लिए और बेक कर लें। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं। ये केक को हमने बाहर निकाल लिया है कुकर से, अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसको डीमोल्ड करेंगे। अगर आप इसको गर्म में ही डीमोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल टूट जाएगा, इसलिए ठंडे होने का वेट ज़रूर करिएगा। केक को हम डीमोल्ड कर लेते हैं, चाकू की हेल्प से इसके एजेस को लूज कर लेंगे। प्लेट को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और पलट देंगे, टैप करेंगे, और बहुत ही इजीली ये केक देखिए निकल आया है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी बना है ये। पेपर निकाल देते हैं, बिस्किट से बना हुआ केक बहुत ही सॉफ्ट है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, और ये बहुत ही कम चीज़ों से बन भी जाता है, सिर्फ 3 चीज़ों से। तो मैं इसको आपको कट करके भी दिखाऊंगी, तो मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है ये। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और बहुत ही बढ़िया ये केक हमारा बना है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, इससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूँगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।